वेलकम टू माई चैनल काव्याज। तो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं लाई हूँ आपके लिए पार्ट 8, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी ट्रिकी वर्ड्स। तो ट्रिकी वर्ड्स वो होते हैं जो साउंड की हेल्प से नहीं पढ़े जा सकते। जैसे कि हम ये फर्स्ट ट्रिकी वर्ड लेते हैं जो है ही। तो ही को अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते, तो है बनेगा, ही नहीं बनेगा। इसलिए इनकी स्पेलिंग्स हमें हमेशा याद करनी पड़ती है, इसलिए हम इन्हें ट्रिकी वर्ड्स कहते हैं। इन द सेम वे शी, डू, टू, द, बी, ऑफ, वॉज, आई, वी, मी और गो होते हैं। तो ये सब होते हैं ट्रिकी वर्ड्स। तो हमें इन्हें याद करना होता है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं जैसे कि ही वॉज माई नेबर, तो ही उसमें आता है, तो हमें उसकी स्पेलिंग्स याद करनी पड़ती हैं एंड उनको समझना भी पड़ता है। तो ये होते हैं ट्रिकी वर्ड्स, ये हमेशा हमें याद करने पड़ते हैं। आप बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस भी दीजिए, जिससे वो इजीली बिना डॉट के लिख पाएं। तो बिना डॉट के, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम कुछ डॉट देके उन्हें पढ़ाएंगे और उनसे ये लेटर्स लिखवाएंगे, बट अब उन्हें बिना डॉट के, विदाउट एनी डॉट, उनको लिखवाना है। जैसे कि हम इधर लिख लेते हैं ही, तो ये सब उनको आने चाहिए। अगर वो इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, पार्ट 7, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप उन्हें वर्ड्स की रिकग्नाइजेशन करा सकते हैं एंड वर्ड्स को इजीली लिखवा सकते हैं। तो आप इस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं विदाउट एनी डॉट, जिससे वो इसको इजीली लिख पाएं। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी मैं लेके आई हूँ वो है कलर द ट्रिकी वर्ड्स। तो कलर द ट्रिकी वर्ड्स ये तब होंगे जब बच्चे इनको याद कर लेंगे। जब इन ट्रिकी वर्ड्स को वो याद कर लेंगे तब वो ये वाली एक्टिविटी कर पाएंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, मैंने कुछ शेप्स बनाई है एंड शेप्स में मैंने लिख रखा है, कुछ ट्रिकी वर्ड्स लिख रखे हैं एंड कुछ सिंपल वर्ड्स लिख रखे हैं। तो वो इन्हें पढ़ेंगे, जैसे कि ह ए, तो वो बनेगा नहीं, वो ऐसे रीड करेंगे एच ई ही, तो उन्हें वो याद हो, फिर वो उन्हें कलर करेंगे। इन द सेम वे वो शी को करेंगे, टू को करेंगे, डू को करेंगे, द को करेंगे एंड वो कैट एंड जार को छोड़ देंगे, क्योंकि वो दोनों ट्रिकी वर्ड्स नहीं हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपके लिए बहुत यूजफुल रही हो। एंड अगर आपको ट्रिकी वर्ड्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ एंड आपको बता पाऊँ कि उसका क्या सल्यूशन है। और अगर आपको इसी तरीके की और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.